दिल्ली की भाजपा केंद्र सरकार की ओर से 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद पूरे राजनीतिक महकमे में भूचाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिकोनिया पार्क पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। किस तरीके का प्रदर्शन रहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें जिला मुख्यालय स्थित तिकोनिया पार्क की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन का दौर जारी है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की ओर से संसद के 147 सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया, जिससे समाजवादी पार्टी खेमे में आक्रोश दिखाई देने लगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए इस बड़े कदम के विरोध में समाजवादी पार्टी की जिला स्तरीय टीम द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ा बैनर लगाकर समाजवादी पार्टी के नेता और पदाधिकारी यहां जबरदस्त प्रदर्शन करते दिखाई दिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते भी देखे गए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर इन सभी लोगों ने जमकर निशाना साधा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस के लिए गैर हित की पार्टी बताया है और लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी भी बताया है।